तो बात है उस जमाने की, जब एक ऐप लॉन्च हुआ था जिसका नाम था म्यूजिकली। उस टाइम उस ऐप को बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने प्रमोट किया। ये ऐप आग की तरह लोगों में फैल गया, मतलब देश के बच्चे से लेके बूढ़े तक, अमीर से लेके गरीब तक, सारे लोग म्यूजिकली पे अपना कंटेंट बनाने लगे। फिर कुछ दिनों बाद पता नहीं क्यों इसका नाम चेंज होकर टिकटॉक पड़ा। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ टिकटॉक पे क्रिंज कंटेंट का कैंसर। ये कैंसर इतनी तेजी से बढ़ा कि आधे से ज्यादा लोग टिकटॉक पे क्रिंज कंटेंट बनाने लगे। बहुत सारे क्रिंज क्रिएटर्स ने इससे मोटा पैसा छापा। तब उन यूट्यूबर्स की जल गई और उन यूट्यूबर्स ने मिलके पूरे टिकटॉक को क्रिंज घोषित कर दिया। फिर कुछ टिकटॉकर्स और कुछ यूट्यूबर्स के बीच में चिंदी सा युद्ध हुआ। देन उसे कुछ महीनों बाद इंडिया ने अपने सिक्योरिटी रीजंस के चलते टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। टिकटॉक के बैन होते ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने अपना न्यू फीचर लॉन्च किया जो कि टिकटॉक की कॉपी थी। अब टिकटॉक का कैंसर इन सब प्लेटफॉर्म पर भी आग की तरफ फैलने लगा और यूट्यूब पे भी ये कैंसर यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो रिसेंटली मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे एक ऐसे चैनल को देखा जो कि टिकटॉक की क्रिंज कंटेंट को यूट्यूब और यूट्यूब शॉर्ट्स पे चेपे जा रहा है। ये चैनल रशिया का है। ये अपने टिकटॉक वीडियो को यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड करते हैं और टिकटॉक का कंपाइलेशन बना के यूट्यूब पे अपलोड करते हैं जिसपे इनके मिलियन मिलियन व्यूज और सब्सक्राइबर्स हैं। तो आओ यार चलो देखते हैं इनका क्रिंज कंटेंट। उस बंदे के सामने सांस रोक के सेक्सी बनने की कोशिश कर रहा है, बट लग तो ऐसा ही रहा है जैसे इसकी पॉटी निकल गई हो। और लड़की को मेट्रो में खाने की परमिशन कहां से मिल गई है? और देखो उस साइड सारे सीट्स खाली हैं, बट ये इसके जस्ट बगल में आके बैठी। अभी जस्ट देखो इसने फिर से हवा भर ली और स्केलेटर पे आगे वाले को ऐसे साइड होने को कौन बोलता है? तू पागल है क्या? अबे साले फिर से इस चोमू ने सांस रोक लिया। इस बंदे को वास्तव में की प्रॉब्लम है क्या कि इसकी सांस पे सांस फूलते जा रही है? और फिर से वही ब्लू टी शर्ट, फिर से 1965 में भी इसने यही ब्लू टी शर्ट पहना था। नाउ इट्स 2021 और इसने अभी तक वही अपने छोटे भाई का चुराया हुआ ब्लू टी शर्ट पहन रखा है। एंड स्पेशल थैंक्स टू कैमरामैन मिस्टर जॉन सिना। आई विल नाउ डू व्हाट आई डू बेस्ट एंड बिकम इनविजिबल। यू कांट सी मी। इतनी बॉडी बनाने का क्या फायदा जब तुम खुद से लटकाया हुआ स्कार्फ तक नहीं निकाल पा रहे हो? और इसकी वेस्ट इतनी जल्दी फट गई, इसीलिए विवेक भैया की बात मानो, शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। पूरे वीडियो में सिर्फ यही पार्ट स्क्रिप्टेड नहीं था। क्या है ये खुद से फटी हुई वेस्ट को फाड़ के दरिंदों जैसे उस बेचारी लड़की की तरफ बढ़ रहा है। बॉडी शो ऑफ के नाम पे सिर्फ आतंक फैलाया जा रहा है और इन सारी वीडियोस में कैमरामैन को तो कोई देख ही नहीं पाता है। वाह, मतलब उसने हैरी पॉटर का चोगा पहन लिया है। अरे ये तो फर्स्ट वीडियो वाली लड़की है ना, बेचारे से पुलिस की एक्टिंग करवाया जा रहा है। सारे वीडियोस में वही चार लड़कियां रिपीट हो रही हैं।
यही होता है जब आपको सारी जिंदगी रिजेक्शन झेलनी पड़ती है, तब इस टाइप के लोग इंटरनेट पे आके अपने आपको मैचो मैन प्रूफ करने के लिए अपने दोस्तों से ऐसी घटिया और वाहियात एक्टिंग करवाते हैं। शर्म करो, भगवान से डरो। तुम लोगों ने भी वही देखा जो मैंने देखा? फाइनली कैमरामैन दिख गया। अब तुम लोग ही बताओ यार, इतना घोचू इंसान कोई कैसे हो सकता है? कौन सा नशा करके ये मेट्रो में चढ़ा था? मतलब कोई तुम्हारे हाथ बांध रहा है और तुम्हें पता तक नहीं चला। और इस वीडियो में ये लोग एक्टिंग करके क्या दिखाना चाहता है कि इस टाइप के घोचू इंसान से सिर्फ बॉडी दिखा के कोई लड़की पक जाएगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। थोड़ी बॉडी क्या बना ली, ये तो ऐसा शो ऑफ कर रहा है जैसे आर्नोल्ड और काई ग्रीन से भी ज्यादा अच्छी बॉडी हो। ये इतना घटिया और वाहियात वीडियोस बनाते हैं कि मेरी आंखों से तो खून निकल गया इन सारी वीडियोस को देख के। YouTube खुद इन कैंसर को बढ़ावा दे रहा है और लोग परेशान हो गए यार ये सब वीडियोस देख के। YouTube शॉर्ट पे भी टैलेंटेड लोग हैं, जैसे TikTok पे भी कुछ लोग हुआ करते थे, इसीलिए हम लोग कभी भी पूरी कम्युनिटी को घटिया नहीं बोलना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक इट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन, बाय। कोविड इस टाइप की वीडियोस के सामने तो कुछ है ही नहीं। इस टाइप की वीडियोस ही असली वायरस है।